यो बॉस, सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत। और भैया फाइनली ऐसे तो कल ही रिलीज हो गई थी थाई मसाज, जो जिस मूवी में तुम्हारे बाबा का छोटा सा पेरेंट्स है। कल रात को एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स ने, काफ़ी सारे लोग देखने गए थे कल, जिन जिन की सिटी में रिलीज़ हुई थी मूवी, काफ़ी लोग देखने गए। उन लोगों ने मेरे को, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी कि जिस जिस सीन में मैं था। दो सीन्स में तो मुझे दिख रहा है जिन लोगों ने फोटो, मेरे सब्सक्राइबर्स ने फोटोज भेजी है। बाय द वे थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मूवी देखने गए और फोटो खींची जब मैं आया स्क्रीन पे। अब मैं देख नहीं सकता क्योंकि थाईलैंड में वो मूवी रिलीज नहीं हुई है। शॉकिंगली पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि थाईलैंड, आधी मूवी थाईलैंड में ही है, तो एटलीस्ट थाईलैंड में रिलीज करनी चाहिए थी जितना मुझे लगता है। और थाईलैंड में इंडियंस काफ़ी सारे हैं तो वो देखने जाते। पता नहीं मुझे क्या रीज़न था थाईलैंड में रिलीज नहीं करने का थाई मसाज मूवी, पर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देख ली है और फोटोज़ भेजी। मुझे अच्छा लगा, एक फोटो मैंने अपलोड भी की है जो मेरी गजराज सर के साथ है, मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड की है। ये गजराज सर ये राम है और इस शॉट में क्लोजअप शॉट था ये। तो एक सब्सक्राइबर ने बोला कि पूरा हॉल पे, जो थिएटर पे काफ़ी ऑब्वियसली स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें केवल मेरा फेस और गजराज सर का फेस दिख रहा था क्योंकि क्लोजअप शॉट था। मुझे पता था वो शॉट आएगा ही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉट था मूवी में, और हम दोनों दिख रहे थे पूरे फ्रेम में, लेफ्ट साइड में गजराज सर, राइट साइड में मैं। और काफ़ी अच्छा लगा ये देख के पहली बार। और बंदे ने, जिसने भी ये फोटो क्लिक किया मेरे सब्सक्राइबर ने, वो अपनी सीट से करी थी तो ऐसा दिख रहा है कि थिएटर में बैठ के वो देख रहा था। अच्छा लग रहा है, पहली बार मैंने अपनी शक्ल थिएटर में देखी। मैंने शॉट तो काफ़ी सारे दिए थे पर ऑब्वियसली मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ तो काफ़ी सारे पार्ट एडिट हो जाते हैं, एडिट कर देता हूँ मैं पूरा। एक दो घंटे की शूट करता हूँ मैं और उसके बाद 10-15 मिनट का व्लॉग अपलोड होता है जो तुम लोग देखते हो, तो एडिटिंग में काफ़ी पार्ट हट जाता है। तो मैं वो समझता हूँ, मूवी के टाइम पे भी वही होता है, एडिटिंग होती है और पार्ट कट जाता है। पर देखना चाहता हूँ मैं वो कौन कौन से शॉट्स हैं मूवी में और कौन कौन से नहीं है, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। बट आई एम स्टिल हैप्पी, कांट आस्क फॉर मोर। गजराज सर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन इंडिया और मेरे को बहुत अच्छी लगती है इनकी एक्टिंग, तुम लोगों को भी लगती होगी उनके साथ। एक फ्रेम पे तुम्हारे बाबा का सुंदर सुशील चेहरा और गजराज सर का भी सुंदर सुशील प्लस टैलेंटेड चेहरा दोनों के साथ में, अच्छा लग रहा है देख के। और कांट वेट टू वॉच द मूवी। हाँ कूल भैया, आप कॉफी पीते हैं, थकान हो रही है गंदी वाली। पूरी नहीं देखूंगा लाइव स्ट्रीम, पर मैं देखना पसंद करता हूँ लाइव स्ट्रीम अपनी जो कल रात को की थी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भैया हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेल रहे हैं और क्या मजा आ रहा है। Cheers. और ये सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुनाइट। पर आज अभी तुम्हारा बाबा डैमी के साथ चिल करेगा, अपनी कॉफी पिएगा, बैठते हैं, फिर मुझे एडिटिंग करनी है थोड़ी बहुत और फिर ब्लॉग बनाने जाना है जो कि तुम जल्द ही देख लोगे, आज का ब्लॉग जो अभी देख रहे हो तुम। तो जैसे कि तुम लोगों से मैंने वादा किया था बहुत टाइम पहले कि मैं तुम लोगों को मेरे घर के पास, हमारे घर के पास एक थाई स्ट्रीट फूड मार्केट लगता है बड़ा सारा, उसका एक ब्लॉग बना के दूंगा, तो आज अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जो प्लान था वो तो पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन लोगों के कोविड हो गया, बंद हो चुकी है जहाँ पे जाना था हम लोगों को। और मेरे को भूख भी लग रही है सुबह से, मैंने अगेन कुछ नहीं खा रखा, तो अच्छा रहेगा थोड़ा थोड़ा सारा थाई फूड टेस्ट करेंगे और इस बहाने तुम लोग पूरा मार्केट भी देख लोगे ब्लॉग में। जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं, तुम लोगों को पता था मैं बैंकॉक में 4 साल से रह रहा हूँ और पहले के तीन साढ़े तीन साल मैंने एकदम पॉर्श एरिया में गुजारे हैं जो कि है सेथोन एरिया। वहाँ पे हमेशा मेरा उठना बैठना, जहाँ पे रहता था मैं, उसके आसपास सब फॉरेनर्स भरे हुए थे क्योंकि वो पॉर्श एरिया था। थाई लोग बड़े कम दिखते थे, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं थाईलैंड में रह रहा हूँ इतने सालों से। पर फाइनली जब डैमी ने यहाँ पे घर लिया और हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, अब मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे थाईलैंड में रह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गिनती के फॉरेनर्स रहते हैं। उसमें से मैंने आज तक तो कोई फॉरेनर यहाँ पे देखा नहीं, मैंने खुद को ही देखा अकेले को जो यहाँ पे। ओ भाई, why they do this? भाई मुझे इन लोगों पे इतना गुस्सा आता है ना, जो ये बाइकर्स ये सोचते हैं दे आर लुकिंग कूल राइट एंड द गर्ल्स विल रन बिहाइंड देम। देखो अब मुझे लग रहा है कि मैं थाईलैंड में रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गिनती के फॉरेनर्स रहते हैं और मैंने आज तक कोई देखा भी नहीं। डैमी बता रही कुछ रहते हैं यहाँ पे फॉरेनर, उनमें से एक मैं हूँ। सब भरे हुए हैं यहाँ पे थाई, सारी फैमिलीज रहती हैं, थाई फैमिली रहती है। तो यहाँ पे मैंने कभी खाया नहीं है इस स्ट्रीट मार्केट में, कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आज ब्लॉग भी बना लेंगे और मैं पहली बार ट्राई भी कर लूँगा। थोड़ा थोड़ा, सारा तो नहीं खा सकता पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैं खाने की कोशिश करूँगा। तो डैमी लेट्स गो। और यहाँ पे थोड़ा लोग यू नो कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि मैं कैमरे के साथ हूँ ना, जहाँ पे मैं पहले रहता था सेथोन एरिया, वहाँ पे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था फॉरेनर्स को। पर यहाँ पे लोग थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि अरे वीडियो कैमरा बना रहे, कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है भैया, वो वाली हालत हो जाती है कुछ कुछ लोगों के साथ।
हम लोग थाई मार्केट में, अभी क्राउड इतना नहीं है क्योंकि अभी खुला ही है, रात तक रहता है ना, नाइट मार्केट है मेनली, तो हमने सोचा ज़्यादा क्राउड हो उससे पहले शूट करके निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और डैमी की भी थोड़ी तबीयत के लिए ओके, और वो ओके ना, डैमी की थोड़ी तबीयत ढीली, अब तो सही हो गई, वो तीन चार दिन पहले ज़्यादा ख़राब हो गई थी डैमी की तबीयत, अब ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करते सबसे पहले क्या दिखता है मुझे, सब्जी मंडी, अपने इंडिया में सब्जी मंडी होती है जहाँ से सब्जियाँ लेके आती है मम्मी, बिल्कुल लोकल देसी, वैसा ही कुछ यहाँ पे है भाई, पूरी सब्जी मंडी लगी हुई है, घिया पालक पता नहीं क्या क्या, प्याज व्याज टमाटर जो लेने ले लो, सही लग रहा है, बैगन भी है छोटे वाले, एकदम इंडिया वाला फील आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरी रो, दिस इज़ ऑल अबाउट वेजिटेबल्स राइट, तो ये पूरा जो देख रहे हो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक सा पे हर तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी तुम्हें एकदम फ्रेश, दिस इज़ ऑल फ्रेश अवॉर्ड, तो फ्रेश अगर हम घर पे खाना बनाना चाहें, जो फ्यूचर में डैमी किचन बनाएगी, अगले साल किचन बनवाएगी, तो हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे या फिर किसी को रखेंगे जो खाना बनाए फ्रेश फ्रेश, तो यहीं से ही ये लोग यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं यहीं पर आके ही सब्जियाँ अब्जियाँ खरीदते हैं, यू नो व्हाट डू यू थिंक, आई शुड बाय लेमन, मुझे नींबू पानी पीना पसंद है, यहाँ से नींबू खरीद के ले जाएगा तुम्हारा बाबा, शिमला मिर्च कॉर्न गाजर, यार गाजर देख के गाजर के हलवे की याद आ गई यार, कितना टाइम हो गया है, पालक है व्हाट देन, पालक जैसा लग रहा है यार, तो पालक क्या होता है, दिस इज तुलसी दैट बेसिल, हाँ तो ये तुलसी है भाई, तुलसी के पत्ते भाई, इंडिया जैसा फीलिंग आ रही है, मत लोगों को मत देखो जो थाई हैं, और लग रहा है इंडिया में देखो भाई क्या क्या नहीं मिल रहा, सब मिल रहा है, और एकदम फ्रेश, और जो स्मेल आती है ना हरी सब्जियों की फ्रेश फ्रेश, वो आ रही है फील है। और यहाँ पे वही छोटी छोटी शॉप स्टॉल्स कपड़ों के लिए एकदम, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दीज टी शर्ट्स, लाइक 100 baht 200 baht राइट, हाँ तो ये एकदम बिल्कुल लोकल जगह है ना, तो यहाँ पे सुंदर सुंदर दीदियाँ बनी हुई हैं, शी डोंट इवन नो शी इज हियर 100%, बेचारी को पता भी नहीं होगा कि उसकी फोटो यूज़ कर रहे हैं इस दुकान पे पक्का। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बहुत सारी डैमी शिनेल, डैमी यू वांट टू बाय शिनेल, कम डैमी का शिनेल मिल गया, डैमी शिनेल बाय इट, शिनेल मिल रहा है भाई, तुम सस्ते में लो रहा, गुची भी दिखा दूंगा मैं, आई थिंक दे हैव गुची 200%, हैं ए दैट्स द कॉपी ऑफ गुची, दैट्स द कॉपी ऑफ गुची, हाँ लुई विटॉन कॉपी देने यार, सेम 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 सेम। ओनली 10 baht, हाँ 10 baht का, केवल 10 baht का। तो फाइनली हमारा पैनकेक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, डैमिन वाला वो पेल ले पहले, वरना वो और इतना मज़ा नहीं आया खाने में, थोड़ा गरम गरम पैनकेक्स अच्छे लगते हैं खाने में, तो पेल ही देते हैं वो। डू यू ट्राई फर्स्ट, गुड विद मेपल सिरप इट विल बी टेस्टी, मेपल सिरप नहीं, हाँ अब मैं ज़्यादा यू नो दिए उसको 10 baht है, अब मैं बोल रहा हूँ ये भी होता ये भी होता, उसके बाद जाऊँगा मांगने के लिए डंडा और मारेगा वाले बहन जो 10 baht के अंदर पूरी सब्जी मंडी खरीदेगा क्या, लेग पीस और सपोक सपोक, हाँ दिस सपोक एंड दिस लेग, सपोक इज थाई राइट, ओके दिस इज लेग, तो भाई गरम गरम दीदी वहीं पे बना रही है, वो एकदम कोने पे वहाँ पे बन रहे हैं, पैक करके दे रही थी मैं, पैक करके क्या मतलब है, इट्स नॉट हॉट इनफ, भाई सही क्रंची हो रहा है, बेटर देन मैकडोनल्ड्स फ्राइड चिकन फॉर श्योर, अच्छा ईट लिटिल बिट स्मॉल, गुड हाँ भाई, थाईलैंड के जो लोकल फ्राइड चिकन मिलते हैं ना दम है, मैंने पहले भी खा रखा है पर यहाँ पे कभी नहीं खाया, इट्स वेरी टेस्टी, हलो यहाँ है मखान, डिप व्हाट इज दिस, क्यूकम्बर राइट, क्यूकम्बर ओके, तो भाई ये ऐसे ही कुछ खाना पड़ता है, वेजिटेबल के ऊपर लगाओ चटनी की तरह पेस्ट की तरह, हेलो भाई मैं बता दूं, थाईलैंड आ रहे हो कभी दारूबाज हो, ये ऑर्डर करा लो चखने की तरह, मेरे को चखने का स्वाद आ रहा है, जो दारूबाज चखने खाना पसंद करते हैं दारू के साथ वही है,
अच्छा भाई, दो मिनट के लिए लगा मुझे पकोड़े मिल रहे हैं, रोना आ जाता मुझे, पकोड़े जैसे लग रहे हैं. हाँ बीफ राइट. Let's taste it. One at a time. Yeah, one or no, whatever. No, they don't sell in one. Then whatever the amount is. Bye. Mera rona nikalne wala hai. Pakode. Pakode nahi lag rahe bilkul. Ani yaar tangne hai. Aloo aur mirchi aur pyaaz ke pakode. Haan. Bhai isme lag to raha hai, dekh mirchi to hai iske andar. Aloo bhi hai kya? No. Ask her, is it potato like this? No. This looks like potato, no? No. No. Aloy. अरे पकोड़े जैसे ही हैं, पकोड़े जैसे ही हैं मैन. नो इट इज लाइक पकोड़ा. मैन ऑफ फिश. क्या तो फिश पकोड़ा नहीं होता क्या? फिश पकोड़ा भी तो होता है, फिश पकोड़े ही हैं भाई. मजाक नहीं कर रहा, तुम ट्राई कर लेना. व्हाट इज द नेम अगेन इनका? हॉट मैन. हॉट हॉट मैन. पकोड़े जैसे ही हैं, फिश पकोड़ा. खमन खमन खनन क्लॉक. No. Okay, let's try one. She okay. said have it for free. Free? Yeah. Sure. Come on, go. Good. Oh. Open it. Open it. It's okay. It's okay. Come on, go. Auntie ji ne free mein de diya. Ab main roz aaunga yahan pe. Chicken after school. Chicken after school, why? It's the menu we eat after school. Chicken after school bulate hain log yahan pe. Okay, one. Good. अब तुम लोगों को बताया, मेरे को जापानीज फूड के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है, जचती नहीं है, बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था आई विल बी ओपन माइंडेड, तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं सब ट्राई करूँगा. यहाँ पे लोकल सुशी मिल रही है केवल 5 baht में, तो एक ये भी पेल लेते हैं. यू विल ईट वन, आई विल ईट वन. ओके वन वन. वसाबी भी पेल देता है, देखता है कितनी जलन मस्ती नाक में. ओके लिटिल बिट वसाबी. ओह आंटी जी ने पता नहीं कौन सी पॉलीथिन में से वसाबी निकाल के दी है. आंटी जी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं. आस्कर इज़ नॉट टू स्पाइसी राइट? वसाबी. फाइव बाट डैमी, कम ऑन राइट. 5 baht में और क्या जान ले लोगे. जापानीज फूड खाने में मिल रहा 5 baht. थाई नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया तो कोई भी नहीं हिलेगा. शाम को 6 बजे यहाँ पे थाई नेशनल एंथम स्टार्ट होता है और कोई नहीं हिलता है. फिर वो अपने तरह जैसे जनगणमन स्टार्ट होता है तो अपन एकदम स्टैचू हो जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सब.